नागिन बूटापथरी में आतंकियों ने काराना करतूत को अंजाम देते हुए सेना के वाहन को निशाना बनाया। इससे पहले दो जवान शहीद हो गए, वहीं दो जवान जख्मी हो गए। हमले में दो पोर्टर्स की भी मौत हुई है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया है। वहीं हमले में मारे गए लोगों के घरों में मातम छा गया है। अपनी टीवी स्क्रीन पर इसी से जुड़ी आप तीन तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सबसे पहले आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, कायराना करतूत को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, गुलमर्ग के इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गुलमर्ग और वहां के बूटापथरी में आतंकवादियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है। तो वहीं दो पोर्टर्स की भी इसमें मृत्यु हुई है। जो लोकल बताए जा रहे हैं, उनके घर पर इस वक्त मातम छाया हुआ है। तो आतंकवादियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है। एक हफ्ते के अंदर यह तीसरी बड़ी आतंकी घटना है। इससे पहले गगनगीर जिस तरह से सोनमर्ग में जेडमोर टनल के पास ओपन फायर वहां की मेस में किया था, एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो वहीं त्राल में बीते कल जिस तरह से गैर मकामी लोगों को निशाना बनाया, एक युवक के ऊपर फायरिंग की थी जो इस अस्पताल में इलाजरत है, ये तीसरी घटना हुई है गुलमर्ग में, जहां के बूटापथरी में आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया, फायरिंग की, जिसमें दो जवान शहीद हो गए, दो जख्मी बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ दो लोकल पोर्टर्स की भी इसमें मौत की खबर है। उनके घर पर पूरी तरह से मातम छाया हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और बड़े पैमाने पर सर्च अभियान को और तेज करने के आदेश उनकी तरफ से भी आए हैं। इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। सर्च अभियान यहां पर बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जहां नागिन बूटापथरी में आतंकियों ने यह हमला किया है, हमले में दो जवान शहीद हुए हैं, हमले में सेना के दो जवान जख्मी भी हुए हैं, दो सिविलियन पोर्टर्स की भी इसमें मौत हुई है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है, पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और हर तरफ इस आतंकी हमले की निंदा हो रही है। अगर इस घटनाक्रम को समझें तो कहीं ना कहीं घात लगाकर आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। इससे पहले भी पूर्व में जो हमले होते रहे हैं, आपको डीकेजी का हमला याद होगा, डेरा की गली में भी इसी तरह से घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया था। वही कश्मीर घाटी में भी ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। सोनमर्ग और गगनगीर घाटी को जोड़ने वाली जेड मोड़ टनल पर भी इसी तरह से एक सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, वहां पर काम करने वाले मजदूरों पर और अधिकारियों पर जो उस दौरान मौके पर मौजूद थे। तो वहीं त्राल में भी इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां गैर मकामी लोग जो किराए के मकान में रह रहे थे उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। एक गैर कश्मीरी युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, हालांकि उस युवक की जान नहीं गई, गनीमत रही कि उसे हल्की चोटें आई हैं, अस्पताल में इलाज के बाद उसकी हालत स्थिर है। तो ये तीसरी घटना नागिन बूटापथरी में सामने आई है, गुलमर्ग में, जो एक मशहूर टूरिस्ट स्थल है। बहुत जल्द यहां पर बर्फबारी होगी और सैलानियों से गुलजार होगा ये पूरा इलाका। ऐसे में उससे ठीक पहले इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं आतंकवादियों के मंसूबों को साफ दर्शाता है। नागिन बूटापथरी में ये आतंकी हमला हुआ है, हालांकि बड़े पैमाने पर सर्च अभियान इस पूरे इलाके में शुरू कर दिया गया है। देखिए, ऐसे इंसिडेंट को हम हमेशा मजम्मत करते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वही घर वाला समझ सकता है, वही घर वाला ये पेन, ये दर्द समझ सकता है, जिसके घर से उसका एक नौजवान बेटा निकल जाए और उसको यकीन हो कि ये कयामत के सुबह तक वापस आने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं, एक CA पेशेंट जिसको आपने अभी बिस्तरे में देखा, क्या कर सकता है वो? आप कैसे इसकी फैमिली को मेंटेन करेगा, कैसे इसके बच्चों को मेंटेन कर पाएगा? मैं हुकूमत वक्त से, बिलखसूस उमर अब्दुल्ला साहब से भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस बारे में ज़बरदस्त एक्शन लें और इनको कम से कम इंसाफ दिलाएं, क्योंकि ये एक ही हादसा नहीं, कश्मीर में हर रोज़ ऐसे हादसात होते जाते हैं। तो आइंदा हम उम्मीद रखेंगे कि ऐसे हादसात ना हो। ऐसे वाकात से हम इस बात को उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो ऐसे वाकात पैदा करते हैं, और ऐसे वाकात ना हो। हर कोई घर खुशगवार रहना चाहिए, जियो और जीने दो, क्योंकि इस वक्त यही फैमिली जानती है और हम लोग ही जानते हैं कि हम मजलूम लोग हैं, कि निहत्ते लोग हैं। हमारे पास, हम मजदूरी करने के लिए गए थे, कोई जंग लड़ने के लिए नहीं गए थे कि हम वहाँ पर, हमें पता होता है कि यहाँ पर या मारना है या मरना है। तो हम एक अपना पेट पालने के लिए गए थे, और पेट पालने की इतनी बड़ी सज़ा मिली कि हमारा जवान हमसे
हमारी आंखों से ओझल हो गया और इसके बाप का 15-20 हज़ार का महीने का खर्चा था। उस वजह से इतने रिस्क काम में इसने अपने आप को लिया और गए वहाँ पर रिस्क इसलिए उठाया कि ताकि इसका घर परिवार खुश रहे। अब ये परिवार में ही नहीं रहा तो परिवार कहाँ से खुश रहेगा। मुनीर का रुख करते हैं इसी खबर पर, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं मुनीर। जरा बताएं और तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से बड़े पैमाने पर सर्च अभियान यहां पर चलाया जा रहा है और नगीन बुटा पथरी वो इलाका तस्वीरों में अगर देख पाए। देखिए जासमीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह सवेरे से ही जो सर्च ऑपरेशन है बड़े पैमाने पर जारी है। इस बूटा पथरी में आप देख रहे हैं ये जो जंगली एरिया है, जंगल एरिया यानी वसी और घना जंगल है और इस जंगल के पीछे ये जो पहाड़ी है इसमें जो बूटा पथरी का है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूँ कि गुलमर्ग के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि एक पैनिक फैलाई जा रही है कि टूरिस्ट के हवाले से, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन से बहुत दूर है ये इलाका, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और उस बॉर्डर एरिया क्योंकि गुलमर्ग से करीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर जो नागिन पोस्ट है, आशा पोस्ट है, वो दूर है, वहां पे ये हमला हुआ है। और अब गुलमर्ग में जो टूरिस्ट है, क्योंकि बहुत से पैनिक फैलाई जा रही है कि टूरिस्ट परेशान है, मगर कोई टूरिस्ट परेशान नहीं है, सब खुशी से यहाँ इस गुलमर्ग की वादी में यहाँ पे इस लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और इसमें यह अहम बात है क्योंकि काफी यहाँ पे जो टूरिस्ट चाहे गाइड हो, टूरिस्ट हो, इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि मगर यहाँ पे क्लियर यह है कि टूरिस्ट खुश है और इससे कोई यहां से काफी दूर है। अब सर्च ऑपरेशन की बात करें और सर्च ऑपरेशन सुबह सवेरे से ही लगातार जारी है और जो आर्मी के, फौज के हाईली ऑफिशियल्स हैं वो यहां पहुंचे हैं और वो निगरानी कर रहे हैं इस इलाके में जो नागिन एरिया है जहां पे एक हमला हुआ है। और बड़े पैमाने पर जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि इसमें जो दो फौजी जवान और दो पोर्टर जो है वो मारे गए हैं और इनमें जो जराए से खबर मिली है कि जो फौजी जवान है एक का ताल्लुक बांडीपुरा से बताया जा रहा है और एक का जम्मू से है। बहरहाल उसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है और जो पोर्टर है उनका ताल्लुक जो भुनियार से है, जो उड़ी का एरिया है, बारामूला का एरिया है। और इसमें कई जख्मी लोग भी हैं जिन्हें श्रीनगर में मुंतकल किया गया था रात के दौरान ही इलाज मुआवजा के लिए। बहरहाल सर्च ऑपरेशन जो है वो इन घने जंगलों में किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और ये जो इलाका आप दिखा रहे हैं ये LOC के करीब है और यहां पर आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज देने की तो कोशिश आतंकवादियों द्वारा जरूर की जा रही है। और साथ ही साथ जरा मुनीर ये भी बताएं कि जो दो पोर्टर्स थे जो सिविलियन बताए जा रहे हैं उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि घात लगाकर आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इस तरह से फायरिंग सेना के काफिले पर की है? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कोशिश ही यही थी क्योंकि घात लगाकर उन्होंने हमला किया था। जो पोर्टर्स जो उनके साथ आर्मी के साथ काम कर रहे थे वो भी उस वक्त उन आर्मी गाड़ी में सवार थे और उस वक्त वो भी उस जद में आए हैं और वो भी मारे गए हैं। और ये मिलिटेंटों की कोशिश है कि क्योंकि अगर हम इस एरिया की बात करते हैं, क्योंकि ये मिलिट्री छावनी है, बॉर्डर एरिया है और बूटा पथरी की तरफ जो भी गाड़ी जाती हैं बाज़ाब्ता तौर पर, जब हम बॉर्डर टूरिज़्म की बात करते हैं, इससे पहले जो भी गाड़ी बूटा पथरी की तरफ जाती थी उसमें बाज़ाब्ता परमिशन होता है और आर्मी बाज़ाब्ता एंट्री करती है जो बूटा पथरी पहला पोस्ट चेक पोस्ट है वहां पे, उसी के बाद ही किसी गाड़ी को उस जानिब जाने की इजाजत दी जाती है, बाज़ाब्ता रिकॉर्ड होता है। और मिलिटेंट जो है ये बॉर्डर एरिया है, हो सकता है कि मिलिटेंट जो है वो बॉर्डर के उस पार से उन्होंने घुसपैठ की होगी और इस पार आने की कोशिश की होती, क्योंकि जरूर अगर हम इस बॉर्डर एरिया की बात करते हैं यहां अब सर्दी स्टार्ट हो गई है और बर्फबारी भी हो सकती है इन पहाड़ों पर। और अब उनकी कोशिश होगी कि जो इन पहाड़ों में छुपे बैठे होंगे, अब उनकी यही कोशिश होगी कि वो बॉर्डर पार करके अपने आप को मैदानी इलाकों में इन्हें पहुंचने की कोशिश करते। बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, माना ये भी जा रहा है कि ये घुसपैठ की कोशिश मुनीर हो सकती है क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, LOC का ये इलाका है। मुनीर साथ ही साथ अगर आतंकवादियों की स्ट्रैटेजी को देखा जाए तो 2-3 तरह की स्ट्रैटेजी, या तो सेना के काफिले पर घात लगाकर ये लोग हमला करते हैं या फिर कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो टारगेट किलिंग का भी इसे वाकया नहीं कह सकते क्योंकि दो लोकल पोर्टर्स जो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जो सिविलियन थे, कश्मीरी ही थे, उनके ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा है, उन्हें भी मौत के घाट उतारा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ संदेश देने की कोशिश है कि दहशतगर्दी बंद नहीं होगी, दहशतगर्द को लगातार अंजाम देते रहेंगे आतंकवादी, इसमें टारगेट किलिंग का कोई जिक्र कहीं पर नहीं है।
बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा है कि जो आतंकवादी है, जो टेररिस्ट है, उनकी कोशिश यही होती है कि किस तरह अमन को बिगाड़ा जाए। उनके सामने ये नहीं होता है कि कश्मीरी कौन है, कौन क्या है, उनको सिर्फ यह है कि अमन बिगाड़ा जाए। उसी समय में जैसे हमने गांधरबल में देखा, वहां पे जो मजदूर लोग काम कर रहे थे उनको निशाना बनाया गया है, वहां पे डॉक्टर था उनको निशाना बनाया गया, और त्राल में एक मजदूर को निशाना बनाया। और यहां पे भी अगर हम देखेंगे, वो पोर्टर जो आर्मी के साथ अपनी मजदूरी कर रहे थे, पोर्टर का काम कर रहे थे, उनको निशाना बनाया गया, और फौज के जो जवान थे उनको निशाना बनाया गया। सिर्फ उनकी यही कोशिश होती है कि किस तरह से अमन को बिगाड़ा जाए। जैसा कश्मीर में इनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि यहां पे अमन को खराब किया जाए, और ताहम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मुस्तैदी से काम कर रही है। जैसे कर्नल जी मनोज सिन्हा ने भी वाजिया कर दिया है कि जो भी इसमें मुलव्वस होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनको अंजाम सख्त होगा। और उन्होंने वाजबता सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा है कि उनकी निशानदेही की जाए, और इसी आसना में चाहे गांधरबल एरिया हो, चाहे यहां बूटा पथरी का एरिया जो सरहदी इलाका है उसका इलाका है, उसमें जो मिलिटेंट छुपे हैं उनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है, ताकि उनकी निशानदेही करके उनको उनका खात्मा किया जाए। बड़ी चिंता का विषय है, एक हफ्ते के अंदर ये तीन बड़ी आतंकी घटनाएं इस तरह से हो जाना, आतंकवादियों की आमद यहां पर दर्ज होना, ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है। मुनीर, आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर पिछले 35 साल से मिलिटेंसी से जूझ रहा है, और कभी ये थोड़ा सा थम जाता है, कभी शुरू हो जाता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस बन गया है और ये स्ट्रेटजिक्स है। कुछ ताकतें नहीं चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो चले, वो बहाल हो। वो इन चीज़ों की ताक में रहती हैं कि कोई ना कोई वाका किया जाए। और ये भी हकीकत है कि जिस दिन असेंबली के अंदर आउट हुई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, उसके बाद दो तीन दिन कंटिन्यूसली हो रहा है।